अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंटी लाइफस्टाइल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ एक और ही ब्यूटी टिप शेयर करने वाले हैं, बहुत ही इजी और क्विक सी। जैसा कि आपको पता है, गर्मियों का मौसम स्टार्ट होने वाला है, तो मैं अपने लिए एक जेल बना रही थी अपनी स्किन के लिए, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ, क्योंकि आप भी हमारे फैमिली मेम्बर्स की तरह हैं। तो हम लोग को जो अपने लिए अच्छा हमें लगेगा, हम आप लोगों के साथ भी शेयर करते रहेंगे। आज मैं आपके साथ क्यूकम्बर और एलोवेरा की जेल शेयर करने वाली हूँ। होममेड सिर्फ दो चीज़ों से बनने वाली है, सिर्फ इसमें आपको क्यूकम्बर और मैंने तो फ्रेश एलोवेरा लिया है। आप लोगों के पास एलोवेरा जेल हो जो मार्केट से मिल जाती है, तो आप वो भी डाल सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक क्यूकम्बर लिया था, उसको मैंने पील ऑफ कर लिया, उसका छिलका उतार के उसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में इस तरह कट कर लिया, आप देख रहे हैं। साथ ही मैंने एलोवेरा ली हुई, मैं आपको अभी इसकी अंदर से जेल निकालने का तरीका भी बताऊंगी कैसे आपने निकालनी है। साथ मैंने ब्लेंडर लिया है, इसके अंदर मैं ये खीरे के क्यूब्स जो है मैंने कट किए थे, ये डाल के इनको हम अच्छी तरह पीस लेंगे और फिर हम खीरे का जूस निकालेंगे, फिर उसके बाद हम एलोवेरा डालेंगे और उसका जूस निकालेंगे। बस ये बहुत ही क्विक और ईजी सी स्किन के लिए है, एक ब्यूटी टिप सी। एक्नी हो जाते हैं दाने, स्पेशली ऑयली स्किन के लिए, और ये सन बर्न हो जाता है, डार्क सर्कल्स, उनके लिए बहुत बेस्ट है। तो अब मैं आपको एलोवेरा निकालने का तरीका बताती हूँ। ये जैसा कि आप देखें, मैं एलोवेरा को कट कर लिया, इसका मैंने साइड से पहले कट कर रही हूँ और दूसरी साइड से हमने इसको कट कर लिया। अब ये मैं इसके आप देख रही हैं, दरमियान से इसको मैं कट कर रही हूँ कि इसकी स्किन उतर जाए, देख रहे हैं। अब आपको जेल से इसके अंदर जो जेल है वो निकालने का बताएंगे तरीका। स्पून लिया आपने और उससे ये देखिए आपकी कितनी इजीली एलोवेरा की जेल निकल आई, ये आप देख रहे हैं इस तरह आपके लिए इजीली। और ये बहुत ही क्विक और इजी सी, मतलब दो सी चीज़ों से बनने वाली ब्यूटी टिप है, जो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही इंस्टेंट आपको रिजल्ट इसका मिलेगा। मैं अपने लिए, गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो रहा था, मेरे भी ज़रा एक्नी वगैरह का प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। ये देखिए हमने एलोवेरा जेल निकाल ली, ये मैं अब दूसरे उस पीस से भी निकाल रही हूँ। एलोवेरा का छिलका आप लोगों ने ऐसे ही फेंक नहीं देना, ये आप लोग अपने स्किन के ऊपर रब कर सकते हैं, हाथों के ऊपर, जैसे देखिए मैं कर रही हूँ। मैंने एलोवेरा का जेल निकाल लिया और अब ये जो इसके ऊपर मैं अपने हाथों के ऊपर कर रही हूँ, इस तरह आप अपने फेस के ऊपर, आर्म्स के ऊपर, नेक के ऊपर कर सकते हैं। ये देखिए मैंने लगा दी, थोड़ी देर बाद खुद ही ड्राई हो जाएगा। जिसके आई लैशेस भी कम होते हैं और जिनको हेयर ग्रोथ का भी मसला होता है, ये अपने फेस के ऊपर लगा सकते हैं, उससे बहुत ही जल्दी आपको इंस्टेंट रिजल्ट इसका मिलता है। देखिए मैंने कर, अब जैसा कि आप देख रहे हैं जेल भी हमारी निकल चुकी है। हमने आपको जेल निकालने का तरीका भी बता दिया, क्यूकम्बर भी हमारे कट हुए हुए थे। अब मैं इसको ब्लेंडर में डाल रही हूँ, ये मैंने सारा अपना ब्लेंडर फुल कर लिया। मैंने एक क्यूकम्बर लिया था, मैंने इसके अंदर डाल दिया। मैं इसको अच्छी तरह करूँगी ब्लेंड के, इसका अच्छी तरह हम लोग जूस निकाल सकें हम इसका। जैसा कि हमारे क्यूकम्बर हमारे ब्लेंड हो रहे थे, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ एलोवेरा के ज़रा फ़ायदे शेयर कर लूँ। सुबह नहार पेट आप इसका यूज़ कर सकते हैं, इसको जेल निकाल के आप पानी के साथ ले सकते हैं, जिनको बिल्कुल फ्लैट टमी चाहिए उनके लिए बेस्ट है। आप लोग इसका जूस भी बना के पी सकते हैं, एलोवेरा जेल ले लें, अंदर पानी थोड़े से डाल लें, थोड़े से नींबू डाल लें और वो पिएं, बिल्कुल फ्लैट टमी आप लोगों की होगी। जिनका डाइट कर लेते हैं सब कुछ, पतला तो हो जाती हैं मगर पेट कम नहीं होता, तो ये उसके लिए बेस्ट रेमेडी है। नहार पेट बहुत बेस्ट है, नहार पेट भी आप इसके जेल निकालें, पानी के साथ सुबह पी लें, आप लोगों को बहुत ही एक फेस पे फ्रेशनेस आएगी, आप लोगों की फिन स्किन ग्लो करेगी, आप लोगों को बहुत ही इंस्टेंट इसका रिजल्ट मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने क्यूकम्बर को अच्छी तरह हमने ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसको छाड़ेंगे कि इसका जूस निकाल सकें। मैंने एक बाउल लिया था और एक मैंने चाय का पौना ले लिया था, उससे अब मैं इसके अंदर ये डाली हूँ पेस्ट और उसको थोड़े सा चमचे से दबा रही हूँ, तो ये जूस निकलता जा रहा है, आप देख रहे हैं ये जूस निकल जाएगा। फिर हम इसके अंदर एलोवेरा डालेंगे, एलोवेरा का ब्लेंड करेंगे, फिर उसका जूस डाल के, फिर आपने जहाँ भी आप आपके एक्नी का प्रॉब्लम है, सन बर्न है, डार्क सर्कल्स हैं, जो निशान दानों के रह जाते नहीं जाते, वहाँ वहाँ पे आप लगा सकते हैं, क्योंकि क्यूकम्बर जो है वो अंदर से खुद ठंडा होता है, तो बहुत ही जल्दी अफेक्ट करता है आप लोगों के इस पर।
ये जैसे कि आप देख रहे हैं जूस हमारा निकलते जा रहा है, साथ इसका पेस्ट जो है वो बचता जा रहा है, तो इसको आपने ज़ाया नहीं करना। इस पेस्ट के अंदर आपने थोड़ा सा बेसन ऐड करना है, साथ ही नींबू के थोड़े से ड्रॉप्स ऐड करने हैं, और अपने जो दानों के स्पॉट्स हैं आइस के लिए बहुत बेस्ट है उस पर आपने लगा लेना है। जैसे कि आप देख रहे हैं एक ही ब्यूटी टेप से आप लोगों को दो तीन, ये देखिए इसका पेस्ट ऐसे, इसके अंदर आपने थोड़ा सा बेसन ऐड करना है, नींबू के थोड़े से ड्रॉप्स ऐड करने हैं। एक ही ब्यूटी टिप से आपको दो तीन रेमेडीज़ पता चल गई हैं, तो ये होम रेमेडीज़ बहुत बेस्ट होती हैं, आपके पास सब कुछ घर में अवेलेबल होता है, आप क्विक एंड ईजी अपने स्किन के लिए क्लिनजिंग के लिए सब कुछ घर में ही कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा जूस भी बिल्कुल निकल चुका है। अब मैं ब्लेंडर के अंदर एलोवेरा ऐड कर रही हूँ, अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी। ये आप देख रहे हैं जूस हमारा बिल्कुल निकल चुका है, कितना प्यारे ग्रीन कलर है। क्यूकम्बर में खुद ही अपनी एक फ्रेशनेस होती है, ठंडा होता है इसकी ताज़ियत, तो फिर आप फेस पे भी आपको बहुत जल्दी ये अफेक्ट करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने एलोवेरा को भी ब्लेंड कर लिया था, ये उसका भी पेस्ट बन गया। अब हम इसके अंदर ऐड कर रही हैं जो खीरे का जूस हमने निकाल लिया था, साथ एलोवेरा का जूस इसके अंदर ऐड कर रही हैं, और हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। अब ये आपने उन उन जगह पे लगानी है जहाँ पे आपके एक्नी के स्पॉट्स हों, दानों के निशान रह गए हों, आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। सन बर्न का मसला हो या तो डार्क सर्कल्स हों, आप इसको से ना फिर सिर्फ फेस पे बल्कि पूरे बॉडी पे भी लगा सकते हैं, ज़्यादातर चेस्ट पर, बैक पर और ये आर्म्स के साइड पर होते हैं दानों के निशान रह जाते हैं, तो आप उन पर लगाएं, बहुत ही बेस्ट है। अभी आप देख रहे हैं मैंने एक डॉल से लिया था उसके अंदर डाल दिया, और जो एलोवेरा का जूस रहता था वो भी हमने इसके अंदर डाल दिया। जैसा कि देख रहे हैं आप, मैं अपने हैंड पे लगा रही हूँ, आप इस तरह अपने फेस पर, बॉडी पर, पूरे पे लगा सकते हैं, इसके अच्छी तरह मसाज कर लें। हमने नेचुरल एलोवेरा ली थी, तो आप इसको फ्रिज में रख के एक वीक तक यूज़ कर सकते हैं, रेगुलर आपको यूज़ करना है डेली बेसिस पर। अगर आप लोग मार्केट से एलोवेरा जेल इसके अंदर डालते हैं तो फिर आप 2 वीक तक इसको सेव कर सकते हैं। जैसा कि मैंने हाथ पे मसाज किया, आप इस तरह फुल बॉडी पे कर सकते हैं, जहाँ जहाँ आपके निशान हो दानों के, और फेस पर कर सकते हैं, मगर आपने डेली बेसिस पे करना है तभी आपको रिजल्ट मिलेगा इसको। आपने देखा हमने आपके साथ कितनी क्विक और इजी सी ब्यूटी टिप शेयर की है, इसके साथ जो इसका गूदा बच गया था हमने आपको उसको भी बताया कि आप उसमें बेसन और सिर्फ नींबू ऐड करके आप अपने दानों के ऊपर लगा सकते हैं, फेस के ऊपर क्लिनजिंग भी काम करेगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, एंटी लाइफस्टाइल साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहा करे। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो। साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ एलोवेरा की डिशेस के, एलोवेरा किस खानों में यूज़ हो सकते हैं, उससे क्या क्या चीज़ें बन सकती है वो भी यूज़ बताऊँगी आपको। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी ऐसी लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।